सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जगजीत नंगल ते तुसी देख रहे हो सिद्क डेयरी फार्मिंग। अज जिहड़ी वीडियो बना रहे हैं ये पशुआं दीआं बीमारियां दे नाल संबंधित, तो एक इदां दा ट्रीटमेंट जिहड़ा इह कह लो वी उहदा साइड इफेक्ट कोई नहीं है, मतलब हरेक फार्मर वीर अपने आप वो मेडिसन वरत सकदा ते आपदे पशुआं दा इलाज कर सकदा। सारी जानदे हां दोस्तों होमोपैथी जां इलैक्ट्रो होमोपैथी ये यूरोप की काढ़ है, जिदे करके कामयाब भी बहुत है तो यह सस्ता इलाज भी है। अज मैं पहुँचा सी बाबा इलैक्ट्रो होमोपैथिक क्लीनिक बठिंडे शहर के, एड्रैस जो दसा दोस्तों तो बस स्टैंड तो रजिंद्रा कॉलेज के सन्नविच की एक सड़क किले नूं जांदी है, रजिंद्रा कॉलेज की बैकसाइड तो बस स्टैंड के बिल्कुल नाल उस सड़क के उत्ते बाबा इलैक्ट्रो होमोपैथिक क्लीनिक है। तो इन्हों का काफ़ी पुराना तजर्बा है, क्योंकि इन्हों का ये कह लो भी वैद का काम पिता पुरखी है। तो नाल इन्हां वीरां ने अगे जिहड़े डॉक्टर साहब हुण इत्थे आपां नूं वीडियो च भी मिलणगे, इन्हां ने नाल डिग्री डिप्लोमे जिहड़े वह भी इदां दे कीते आ भी इह पशुआं दा जिहड़ा वो इलाज करदे आ इलैक्ट्रो होमोपैथिक मैडिसन के जरिए इस होमोपैथी के नाल। सो आओ आपां मिलिए गल्लां बातां करदे आ, बीमारियां संबंधी कुछ आपां जानने की कोशिश करांगे। वीडियो नूं एंड तक देखियो, जिहनूं पसंद आऊगी वीडियो चंगी लगी तो शेयर भी जरूर कर सकदा। आओ मिलिए आपां। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर अपना नाम दसो जी एक बार। की मेरा नाम डॉक्टर गुरजीत सिंह बाबा जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपां अज इलैक्ट्रो होमोपैथी क्लीनिक दे उत्ते आपां वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही गलबात पशुआं दी बीमारियां नाल संबंधित ही करांगे। वैसे शुरू च एक जानकारी वास्ते पुछना चाहुंदा वी जिहड़े रोग जिवें कसो ह्यूमन बीइंग च मनुखां च हुंदे आ उहनां दा वी आपां इलैक्ट्रो होमोपैथी दे नाल जिहड़ा इलाज करदे आ। बिल्कुल जी, इलैक्ट्रो होमोपैथी राहीं आपां मनुख दा इलाज भी करदे आ। ठीक है सर, जे पशुआं दीआं बीमारियां दी गल करिए जिहड़ियां इस टाइम फील्ड च विचरदे आ आपां नूं देखते हैं जां समझ च आउंदी है, वह जिवें सब तो ज़्यादा इस टाइम रोग देखा जाए तो पशुआं नूं बन्न बहुत पैंदा है। हाँ जी, उहदे की कारण हुंदे आ बन्न पैण दे, उहदे लक्षण की है ते आपां इलाज किवें करदे आ? देखो जी, अजकल जिहड़ा हैगा एक तां बन्न दे पैण दे कारण जिहड़ा हैगा सब तो वड्डी गल तां जिहड़ा हैगा इस टाइम तूड़ी नवीं शुरू हो जाती हैगी है। ठीक है, और मौसम दे विच बदलाव आ रहा हैगा, सिले पट्ठे जां कह लो गिले पट्ठे जिहड़ा हैगा ज़्यादातर जानवर दे दिते जाने जा गिला चारा ज़्यादा आप ज़्यादा हदों वध दे देने हैगे हैंगे, उस टाइम जिहड़ा हैगा पशु नूं जिहड़ा हैगा कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा बन जाती हैगी है। ठीक है, हाँ जी, और जिहड़े पहले पेट का बन्न हुंदा इस दे विच जिहड़ा हैगा जानवर के नक् सुक्का रहिंदा हैगा और सुक्की तूड़ी नूं मूँह ज़्यादा मारदा हैगा। ठीक है, जे पहले पेट का बन्न है तो वह नक् सुक्का रहेगा तो सुक्की तूड़ी नूं वह मूँह मारूगा खाने नूं, कोशिश करेगा खाने की। बिल्कुल जी। ठीक है, तो जे उहदा चार पेट होंदे आपां करिए चार भाग है पशु दे पेट दे, हाँ जी, पहले च बन्न पैंदा दूजे जां तीजे च वी बन्न पैंदा जां इहदे च नहीं बन्न पै सकदा? नहीं जी, दूजे तीजे दे विच संभावना बहुत घट हुंदी है। ठीक है, तो जे चौथे पेट की गल करिए फिर उहदे च जो बन्न पै जांदा तो उहदे ते सिम्पटम पशु दे की है, लक्षण किदां दे हो जांदे? चौथे पेट का जो बन्न पैंदा हैगा जी जानवर, उस टाइम जिहड़ा हैगा नक् दी विच जिहड़ा हैगा नली आउणी शुरू हो जाती हैगी, और दूसरा जिहड़ा हैगा चारा बिल्कुल छड्ड जांदा जानवर। ठीक है, हाँ, खाना पीना बंद कर दिंदा है, पानी भी नहीं पींदा फिर उस टाइम दे विच? बहुत घट पींदे हैगे जानवर दी, बहुत घट पींदे है। ठीक है, अच्छा ये जिहड़ा बन्न है इहदा फिर आपां होमोपैथी दे नाल किवें इलाज करदे हो, अपने कोल किन्ने तरह दी इहदे नाल संबंधित मेडिसिन हुंदी है? अपने कोल बन्न लई स्पैशल ट्रीटमेंट हैगे जी, जिस दे विच आपां 72 घंटिआं दे विच जिहड़ा हैगा इहदा इलाज जिहड़ा हैगा संभव हैगा बन्न दा। ठीक है, किसी का तो देखो जिहड़ा हैगा 2-4 घंटिआं दे विच भी खोल जांदा हैगा, बाकी चलो परमात्मा की कृपा नाल 95% चांसिस हुंदे आ जिहड़े बन्न दे पहले दवाइयां दे विच जिहड़ा हैगा 72 घंटिआं दे विच विच प्रोपर बन्न खोल जांदा हैगा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब इत्थे इक क्वेश्चन है भी जिवें कई बंदिआं दा पशु जिहड़े आपां नूं पता अजकल बहुत कीमत दे आ, तो किसी का दिल भी नहीं खड़ता हों शायद कित ना हो मैं एको दवाई तो खड़ा रहा उदों मेरे पशु का लॉस हो जाए। हाँ जी, कई बार कुछ भीर एलोपैथी इलाज जो करवा रहे होंगे होमोपैथी नाल यूज किया जा सकता जो बिल्कुल बंद करना पैंता? बिल्कुल जी, अपनी इलैक्ट्रोपैथी मेडिसन है जी दे सकते हो, और जो है देखो एलोपैथी है जी एलोपैथी ने अपना इलाज करना है जी, इलैक्ट्रो होमोपैथी ने अपना करना है, दोनों पैथियां जो है कॉम्बीनेशन दिता जा सकता है, मतलब ये आप चला सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल चला सकते हैं। ठीक है, अपने कोल थोड़ा दिखाओगे किदां दी मेडिसिन हुंदी है जिहड़ी तुसीं बन्न तों दिंदे हो इलैक्ट्रो होमोपैथी दे विच?
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਡਰੋਪਸ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਰੋਪਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸੀਸੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੰਜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਿਓ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਡਰੋਪਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਛਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਨ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਲਟ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੋਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੋਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਡਰੋਪਸ ਹੈਗੇ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੋਪਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਡਰੋਪਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੋਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਿਮਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨੁਕਸ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਦਹਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਮੋਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੋਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਕੋਰੀਆ ਟੈਪ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਛੇਤੀ ਗੱਭਣ ਹੋ ਜਾਏ ਸੌਖਾ ਗੱਭਣ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਰਾਕਲ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠ ਅੱਠ ਦਸ ਦਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 15 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਸ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਭਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਹ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹ ਹੀਟ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਲੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰ ਸਕਦਾ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡਰੋਪਸ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਰੋਪਸ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਸ਼ੂ ਹੀਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਮਸਟਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਥਨੈਲਾ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥਣਾਂ 'ਚ ਨਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਣਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਟੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਿੱਲਾਪਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨੀਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਿੱਲ ਰਹਿਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਮਸਟੈਟਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸ਼ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਨੀਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਟੈਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇਕਰ ਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਸਟੈਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਟੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਡਰੋਪਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ 2-3-4 ਠੀਕ ਹੈ
और जेकर मूँह सड़ी हो धार बरीक हो उस दे लिए वेट 29 ड्रॉप्स नाल ठीक है। हाँ अच्छा जेडे दर्शक वीर देख रहे उन्होंने सीसियां सिर्फ रंग के रूप च ही दिस दया हो अपने स्पैशल तैयार की हुई मेडिसन इन्होंने बीमारियों संबंधित। हाँ जी बिल्कुल जी स्पैशली जो है इन्होंने बीमारियों तैयार की हुई है जिदा आप दस रहे हैं ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक ये भी जे अपने को इस टाइम बठिंडे च वीडियो बना रहे हो हाँ जी पूरे पंजाब चो कितों भी फोन आ जाता है तो मेडिसन उन्होंने किसी मेडिकल स्टोर तो मिल सकती है जो डायरैक्ट अपने तो ही मंगाऊंगे। नहीं जी ये जा तो क्लीनिक तो लैके जा सकते हो ठीक है या बाई कोरियर मंगवा सकते हो ठीक है। अच्छा ये पिछले कारण यही है भी थोड़ा सिम्पटम जो बंदा फोन पर समझाऊगा फिर आप मेडिसन देंगे मतलब वो लक्षण देख के पशु के फिर भेज दें। हाँ जी बिल्कुल जी सिम्पटम के आधार पर जो है गलबात करके पशु के मालक के अनुसार लक्षणों के मुताबिक जो है जो दसनगे उस मुताबिक दवाई वो आप भेज दें भेज सकते हैं ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बिना जी होर आप देखते हैं जिमें इस रुत के गावं ज वठियां लहू मूत की समस्या आती है। हाँ जी लहू पेशाब राही आने लग जाता गावं ज वछियां वहड़ा के मझा च दिक्कत बहुत घट है। हाँ जी उहदे तो फिर की ट्रीटमेंट करते हो तो उहदे कारण जिहड़े उह की हुंदे आ थोड़ी समझ मुताबक। हाँ जी इस दे विच जिहड़ा हैगा गा ज़्यादातर जिहड़ा हैगा गा पशुआं नूं खून जदों आउंदा हैगा गा वेट 7B ठीक है और नाल इस दे जिहड़ा हैगा गा दो सिम्पटम होर तैयार हुंदे हैगे आ गे जिदां मन के चलो अपना वेट 10 ड्रॉप्स आउंदा और वेट 11 ड्रॉप्स आउंदा हैगा गा वह ड्रॉप्स आप जो है लोड़ मुताबक देने होंगे जिदा मतलब पशु काले रंग का लहू मूत का या खून के गतले आ रहे हैगे है ठीक है या लाल रंग का मूत का या मिक्स खून पेशाब से खून मिक्स आ रहा ये उस के मुताबिक जो है दवाई तैयार की जाती है। अच्छा यदा इलाज है जो आप करते हैं ज लक्षण है ये कारण की होंगे मैं थोड़े समझने चाहता सी भी क्यों पशु यह मूतद गर्मी की रुत खास करके गर्मी देखो जो ज़्यादातर तो जो है ओवरहीट ही होंगे है जी ज़्यादा जो समस्या सब तो वही है भी गर्मी ज़्यादा वही उदो ही बॉडी कोई रिएक्ट करती है। हाँ जी हाँ जी ठीक है जो ज़्यादा गर्मैस बनती हैगी उस टाइम ज़्यादा जो है यह दिक्कत आती है ठीक है। हाँ जी हाँ जी इस विच जो है दूसरा यह भी है कि जिदा चिचड़ियाँ ज़्यादा लगदियाँ है जानवरों उस दे राही भी जो है खून की संभावना ज़्यादा बन जाती हैगी ठीक है। और जदों कई जानवर जो है इस तरह के होंगे है जो पानी हदों वध पीते है गर्मी कारण ठीक है तो उद उस टाइम जो है खून मूतन की संभावना ज़्यादा बन जाती है ठीक है। जिम्मे वहड़ा जो वछियां की गल करते हैं HF ब्रीड की गल करते हैं तो पानी बहुत भज के पैदा ज़्यादा पानी पी लें तो वह भी ये लहू मूत की समस्या बनती है। हाँ जी बिल्कुल बन अच्छा जो आप इलाज दस रहे हैं हाँ रिजल्ट कि छेती आ जाता इलैक्ट्रोहोमोपैथी की जो आप गल करिए कि टाइम से रिजल्ट देने लग पी अपना ये पहले ही दिन तो अपना जो है असर दिखा शुरू कर देती है मेडिसन ठीक है। और जिस तरह आप गल कर रहे थे पहले भी मैं तुम दस बन के 72 घंटे का इलाज होंगे जी इस दे विच भी आप 72 घंटे का कोर्स ही मानते हैं। हाँ जी हालांकि मेडिसन एक हफ्ता खवानी पैंती है ठीक है पर वैसे मतलब काम आपका वर्क जो पहले दिन तो दवाई जी कर लग पी पशु मोड़ पैना शुरू हो जाता। हाँ जी बिल्कुल जी ठीक है। अच्छा इन्हों तो बिना जी सब तो ज्यादा समस्या पिंड है मझा वाले मामले च हाँ एक तो जिमें कोई मझ का बच्चा मर गया हाँ जी फिर वह दुध नहीं लाँगी हाँ मझा जो बच्चे भुल जाते हैं सून सारी खास करके पहलन झोटियां की जो गल करिए हाँ जी वो तो फिर आप भी कोई मेडिसन दें आप। हाँ जी बिल्कुल जी देखो जो है जिदा ये अपने ड्रॉप्स और टैबलेट्स है जिड़ी जानवर बच्चा भुल जाते हैं या डरना शुरू कर देंगे है ठीक है लत चकना शुरू कर देंगे है दुध नहीं कढ़ा कढ़न देंगे है उस टाइम यही मेडिसन दे हालांकि जो है पहले दिन तो भी बहुत पशु जो टका कर जाते हैं ठीक है। तो जिदा जिन्हों जानवरों का बच्चा मर जाता है जो उन्होंने भी सिंगल ड्रॉप्स के एक टैबलेट भी लगा सकते हैं ठीक है। हाँ जी अच्छा डॉक्टर साहब जी इलैक्ट्रोहोमोपैथी है हाँ पशु को देने का तरीका की है किवें आप पशु के पेट च पहुँचाउणी है ये आप जिदा होम्योपैथिक ड्रॉप्स आप दें जी उस तरह सीधा मूँह के भी दे सकते हैं और दूसरा जो है देने का तरीका कि आप रोटी आटा गुड़ दाना इस तरह ही भी दे सकते हैं मतलब वो पेट च जानी चाहिए है असर करेगी। हाँ जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मस्टैट्स तो आप जिमें गल की है भी मेडिसन जी आप दें जिमें हवाना सुज जाता सोज हो जाती है मस्टैट्स के नाल भी फिर यही दवाई काट करती है जी आप दें मतलब वो ही छिडी तो हवाने की सोज जी खत्म होंगी
हाँ जी, जिहड़ी आपां पहलां वेट 2, 3, 4 और दस्या सीगा जी, और उसके नाल वेट 15 लगा के आपां जिदां गंढा रसोलिया वगैरह बन जांदियां हैगियां, ठीक है, ये आपां नाल लगा के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। ठीक है, वह भी हटा सकते। हाँ जी, जिदां मन के चलो दुध वगैरह घट जाता है थन दे विच जां साइड चक जाता है जानवर, उस टाइम मौके दे उत्ते ही 2-3 दिन नाल अपना मसला हल हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गया जो मौके पर जो बीमारी आती है उदो ही हल हो जाता है। हाँ जी। कई पशुओं के थन जे खड़े हुए होंगे है। हाँ जी। सैज उहदा उपर चढ़ जाता वह भी चल सकता होंगे, जां थन सूंगड़िया ना हो, मतलब वैसे बंद थन जो पिछला चल सकता है। हाँ जी बिल्कुल जी, जिद मन के चलो मौके दे उत्ते कई भरावां नूं नहीं पता लगता है पुराने बंद पई थन होंगे है। ठीक है। उसका जिहड़ा है आप मौके दे उत्ते जो पशु सूण वाला होंगे 3 महीने पहला दुध छड़ के दवाई शुरू करनी होंगी है, ये 2 तरह के अपने ड्रॉप्स है। ठीक है। ये 3 महीने पहला दुध छड़ के जानवर शुरू कर लेन। ठीक है। और इसे नाल ही जिहड़ा है अपना ब्लॉक थन चाहे वह बिल्कुल उपर चढ़िया होया गा, ठीक है, विच भी वड़ जाए सैड भी चक्की होवी, इस दे नाल बिल्कुल प्रॉपर हो जाता पूरा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जिहड़ा मैनूं इह लगदा वी शायद इहते बहुता ज़्यादा तो खर्च भी नहीं आउंदा होना इलैक्ट्रो होमोपैथी की जे आपां गल करदे। बिल्कुल जी, इहदा जिहड़ा हैगा रेट किसी भी मैडिसन का गल करिए अपना बहुत जिहड़ा हैगा एलोपैथी दे वाजब तो बहुत घट खर्चा आउंदा है। ठीक है। उहदों बहुत घट खर्चा आउंदा, मतलब कोई वीर जिहड़ा ट्रायल भी लाउंदा उहदा फाइनैंशियली बहुता लॉस नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। ते रिजल्ट इहदे जे आपां गल करनी होवे किन्ने कु परसेंट आ जांदे आ? ये देखो जिहड़ा है परमात्मा की कृपा नाल आपां गल करिए 95% के करीब रिजल्ट चले जाते हैं जी। ठीक है। 90% तो उत्ते। हाँ जी। मेरे ख्याल चुंता जे मेडिसन कोई भी 75% भी रिजल्ट आपका दें। हाँ जी। तो उन्होंने भी आप सक्सैस ही मानेंगे, तुम रेशो फिर भी बहुत सोहनी दस रहे हो। अच्छा, ये तो बिना एक डॉक्टर साहब जी होर समस्या मझा के आती है जिमें भार पैंदा मझा। हाँ जी। उस बीमारी का कोई इलाज हैगा जिमें आम ये कह देंगे वह कोई बहुता वधिया इलाज नहीं हैगा इलैक्ट्रो होमोपैथी जे गल करिए तुसी किवें समझदे हो? देखो जी, इहदे जिहड़ा हैगा भार वास्ते बहुत वधिया ट्रीटमेंट आ गा। हालांकि जिहड़ा हैगा मैं बहुत केस इदां दे भी देखे हैगे जिहड़े दूसरे दिन ही जिहड़ा हैगा अपनी दवाई नाल भार रुकना शुरू हो जांदा गा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इहदे कारण भावें कोई भी होण उहनूं भार क्यों पै रिहा पशु नूं, जां उह ये दवाई जिहड़ी उत्ते काट करनी शुरू कर दिंदी है, जां इहदे अलग अलग लक्षणां दे हिसाब ते दवाई देनी पैंदी है? हाँ जी, इस दे जिहड़ा हैगा कई प्रकार दे लक्षण बन जांदे, जिद्दां मन के चलो कई जानवरां नूं जिहड़े गबन हुंदे हैगे आगे उहनां नूं कब्ज हो जांदी हैगी आ। ठीक है। और कई जानवर इदां दे हुंदे हैगे जिन्हां नूं मतलब सट लगन कारण जां जोर लगन कारण भार दिखाउण लग पैंदे आ। ठीक है। कईआं नूं इनफेक्शन हो जांदी हैगी आ। ठीक है। और कई जानवर आ जिहड़े पेशाब घट करन लग पैंदे आ। ठीक है। उन्हें वास्ते आप आम तौर पर जो है यही मैडिसन आप वेट 12 और वेट 13 मैडिसन दें है गे। ठीक है। इसे नाल ही जो है दूसरे दिन तो भार कंट्रोल हो जाता है। ठीक। बाकी आप लक्षणों के मुताबिक जो है आप होर मैडिसन जो कोई लगता तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इतने एक गल जी मेरे ध्यान च आती है, कोई भी पशु पालक आपके पशु की कोई बीमारी का इलाज करवाना चाहता है लक्षण ध्यान च करके थोड़े को आना चाहिए ताकि तुसी पुछो तो थोड़ा लक्षण दस पाए। हाँ जी बिल्कुल जी, जेकर लक्षण दसनगे तो समा भी अपना बचेगा। हाँ। ते और इलाज भी प्रॉपर हो जाएगा। इलाज भी प्रॉपर हो जाए। हाँ। इलैक्ट्रो होमोपैथी जां होमोपैथी की गल करदे हां तां मेरे ख्याल च इहदा जिहड़ा कामयाब होना पशु के लक्षणां नूं समझण ते ही डिपेंड करदा शायद। हाँ, जिस तक मैनूं पता है। अच्छा, ये कोई टेस्ट वगैरह भी पहला पशु के करवा के लियाने जरूरी होंगे सीधा थोड़े को लक्षण दस के मेडिसन बनवा सकता कोई भी? नहीं जी, हाले अज तक जिहड़ा हैगा परमात्मा की कृपा नाल कदे कोई टेस्ट करवाउण दी कदे जरूरत नहीं पई हैगी। ठीक है। आपां सिर्फ सिम्पटम दे आधार दे उपर ही जिहड़ा हैगा दवाई दिंदे हैगे आगे। ठीक है। परमात्मा की कृपा नाल केस सफल हो जांदे आगे। ठीक है। अच्छा, जिहड़ा कोई वीर दूर तो देख रहा वह फिर कोरीयर के माध्यम नाल ये मैडिसन किसी भी किस्म की मंगा सकता है? बिल्कुल जी, आल ओवर इंडिया जिहड़ा हैगा आपां कोरीयर राही मैडिसन भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जिवें पिछली बार आपां वीडियो बनाई सी जदों लंपी स्कैन शुरू होई सीगी। हाँ जी। फिर मौसम उदा का बनता जाता है जो वाले टाइम से डर लगता है भी फिर ना साडे पशुओं का लॉस हो जाए जिमें पिछली बार होया सी। हाँ जी। की आपां उन्हां नूं पशुओं नूं कर सकते हैं भी उन्हां चों बीमारी ना आवे, कोई सुनेहा जिहड़े वीर अपने नाल जुड़े हुए उन्हां नूं देना चाहिए? हाँ जी, उन्हां लई सारे किसान भरावां लई यही सुनेहा जी फार्मर लई कि अपना एक टैबलेट दिने हैगे जी बचाव लई इम्यूनिटी सिस्टम वधाउण लई जी। पिछली बार भी आपां बहुत जिहड़ा हैगा ये
केस जिहड़ा हैगा देखिया जिन्हां नूं बचा लई दित्ते सीगा परमात्मा दी कृपा नाल बहुत बचा रहा जी। टैबलेट एक सिंगल टाइप टैबलेट हुंदियां हैगियां ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਕਲੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਲੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਗੱਭ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਸੂਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਵਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੈਟ 16 ਔਰ ਵੈਟ 7 ਵੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਵੀਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਲ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ 9 ਤੋਂ 6 ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਵੀਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ? ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ। 10 ਤੋਂ 5 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਲੀਨਿਕ? ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸੈਚਰਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ।